नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का फेवरेट ब्रेड पिज्ज़ा। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो चलिए आपको बता दें, इसको बनाने के लिए हमने सामान कौन कौन सा लिया है। तो इधर हमने ये चार ब्रेड ली है, और ये प्याज है, ये शिमला मिर्च है, ये टमाटर है। इन तीनों को हमने बारीक काट लिया है, और इधर हमने ये ग्रेट किया हुआ चीज़ लिया है, और ये करीब 2 चम्मच हमने बटर लिया है। इसके अलावा हमने ये पिज्ज़ा सॉस लिया है, और ये ऑरिगेनो है, ये चिली फ्लेक्स है, और इधर ये नमक है। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें ये कटा हुआ टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब एक साइड में इसको करके हम ये ब्रेड लेंगे। और इस पर पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड कर देंगे। सारे ब्रेड स्लाइस पे हम करीब आधा आधा चम्मच पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। हमने सारे ब्रेड स्लाइस पे पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। अब हम गैस पर एक तवा चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे। तवे पर अच्छी तरीके से बटर लगाने के बाद हम इसमें ब्रेड स्लाइस रखेंगे। एक बार में इस तवे में 2 ही स्लाइस आ रही हैं, तो मैं 2 ही रख रही हूँ। और अब इसके ऊपर से कटे हुए वेजीज रखूँगी, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज जो हमने बारीक काटी थी। अच्छे से इसके ऊपर हम इसको फैला देंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, फिर ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे। चीज डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। फिर इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब खोलकर इसको चेक करते हैं। ये ब्रेड पिज्ज़ा हमारा बनके एकदम रेडी हो चुका है। तो इसको हम एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया ये पका है। अब सेम मेथड अपनाते हुए दूसरा ब्रेड पिज्ज़ा भी हम तैयार करेंगे। तो तवे पर हम फिर से बटर लगाएंगे, और ये ब्रेड की स्लाइस रखेंगे, और बाकी चीज़ें पहले की ही तरह करते हुए इसको तैयार कर लेंगे। सारे प्रोसीजर को हमें पहले की ही तरह अपनाना है, और इसको फिर से हम ढक देंगे। चलिए इसे भी खोलकर चेक करते हैं। ये दूसरी शिफ्ट भी हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छे से पका है, तो इसको भी हम प्लेट में बाहर निकालेंगे।
तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये ब्रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, और छोटी मोटी भूख के लिए आप इसको फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। ये बच्चों का भी बहुत ही फेवरेट है। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।